वो जो है तो दोस्तों हाथी तो ऐसे कई बार दिख जाते हैं, लेकिन रोड पर हाथी बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों ये बच्चे के शॉट मिलना भी बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी माँ के बीच में रहता है। लेकिन तो गाड़ी की छत जो है अब निकाल दी गई है, क्योंकि छत लगने से बहुत ही दिक्कत होती है, कुछ दिखता भी नहीं है अंदर और बैठने में भी परेशानी होती है। तो अगर बारिश आएगी तो फिर लगा लेंगे छत को। मैं मेरा चार बार नेशनल पार्क में गाइड हूँ जी, और अभी यहाँ से जंगल स्टार्ट हो चुका है जी। और अभी हम ढेरा में है, अभी बोनस में हम, अब हमारा झरना स्टार्ट होगा। ये बोनस हमारे लिए, ये हमारे लिए बोनस है, क्योंकि हमारा झरना जोन है तो हम ढेरा जोन का 5 किलोमीटर का एरिया बोनस के रूप में कवर करते हैं। तो हम झरना जाएंगे, जैसे पक्की रोड खत्म होगी तो हमारा कच्चे रोड स्टार्ट होगी, झरना जोन स्टार्ट। तो सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आज हम एक बार फिर आ चुके हैं सफारी के लिए झरना जोन में, और बस थोड़ी देर में ये गेट खुलने वाला है। तो आप देख सकते हैं पीछे गाड़ियां आ रही हैं सफारी की, और हमारी गाड़ी भी पीछे खड़ी है, और आज हमारे कुछ नए साथी भी आए हैं। तो देखते हैं आज का सफ़र हमारा कैसा रहता सफारी का। तो दोस्तों बने रहिए, मिलते हैं आपसे आगे। तो ये हमारी सफारी गाड़ी, और हमारे साथ आज हमारे साथी हैं। तो आज हमारे साथ है हमारे नए दोस्त, आपका नाम बताइए। आशीष। आशीष जी और शिखा जी, तो बेस्ट ऑफ लक आज की सफारी के लिए। तो गाइड साहब आपका नाम बताइए। मैं मेरा चार बार नेशनल पार्क में गाइड हूँ जी, और अभी यहाँ से जंगल स्टार्ट हो चुका है जी। और अभी हम ढेरा में है, अभी बोनस में हम, अब हमारा झरना स्टार्ट होगा। ये बोनस हमारे लिए, ये हमारे लिए बोनस है, क्योंकि हमारा झरना जोन है तो हम ढेरा जोन का 5 किलोमीटर का एरिया बोनस के रूप में कवर करते हैं। तो हम झरना जाएंगे, जैसे पक्की रोड खत्म होगी तो हमारा कच्चे रोड स्टार्ट होगी, झरना जोन स्टार्ट। तो सेटिंग का क्या है साइडिंग आज का ढेरा जोन में? तो अभी बीच में अच्छी साइडिंग हो रही थी, लेकिन झरना जोन में साइडिंग का स्टार्ट होने लगी है। अभी पिछले हफ्ते 2-3 बार टाइगर दिख चुका है। टाइगर के यहाँ कब से दिखे बच्चे? बच्चे अभी झरना जोन में भी नहीं दिखे हैं और ढेरा जोन में भी नहीं दिखे हैं। और अभी बिजलाई खोलने वाला है, उसके देखो क्या दिखता है। बिजलाई जोन भी 15 अक्टूबर से ओपन हो जाएगा, तो हो सकता है उसमें बच्चे कहीं हुए हो, हमें पता नहीं है। अभी इस जोन में नहीं दिखे, इस जोन में फिलहाल दोनों गेटों में अभी बच्चे नहीं दिखे। मतलब नहीं हुए अभी, शायद नहीं हुए हैं, क्योंकि स्टाफ को भी नहीं दिखे हैं, गश्त करने वाले को भी नहीं दिखे हैं, और कैमरा ट्रैपिंग में भी नहीं आए हैं। अभी जो थर्मल कैमरे लगाए हुए हैं उसमें भी नहीं आए हैं अभी। धन्यवाद। तो अचानक यहाँ पे हो चुकी है बारिश, तो देखिए बहुत बारिश हो रही है। रुक जाएगी वैसे बारिश? हाँ रुक जाएगी, ये वाली नहीं है। तो बारिश जो है छत हमने कवर कर दी है ऊपर, जो गाड़ी की तिरपाल होती है उससे। अभी झरना जोन वाले रास्ते में हैं हम, और अचानक ही यहाँ पे बहुत बारिश हो गई है, लेकिन अब हल्की हो गई है थोड़ी, पहले काफ़ी तेज़ थी लेकिन अब हल्की हो गई है। तो दोस्तों बारिश अगर हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी सफारी में, और कोई भी वाइल्ड लाइफ देखने को भी नहीं मिलेगी इसी बारिश में। तो कह रहा हूं यार, तो ऐसे ही हो रहा है। फर्स्ट टाइम है यहां पे? कॉर्बेट में या फिर वैसे? कॉर्बेट में थर्ड टाइम है, मैंने रणथंभौर में बहुत फर्स्ट टाइम। टेक्निकल इतनी सिक्योर है वो। तो दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ये है झरना जोन का एंट्री पॉइंट,
और यहाँ पे पहले हमें अपनी गाड़ी की एंट्री करानी पड़ेगी, हमारे कागज़ यहाँ पे चेक होंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे अंदर झरना जोन में। तो मौसम भी अब थोड़ा सही हो चुका है और जो बारिश अभी हुई थी वो थोड़ी हल्की हो चुकी है, तो देखते हैं आज क्या रहता है सफारी का हमारा। और बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो ये है खारा गेट, खारा गेट में यहाँ पर चेकिंग होती है, एंट्री होती है। तो एंट्री हो चुकी है ना? ठीक है सर, तो गाड़ी की एंट्री हो चुकी है और अब बिल्कुल सफारी के लिए तैयार, झरना जोन के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने सफ़र में। तो सामने और भी सफारी गाड़ियाँ गई हैं आगे, तो गाड़ी की छत जो है अब निकाल दी गई है, क्योंकि छत लगने से बहुत ही दिक्कत होती है, कुछ दिखता भी नहीं अंदर और बैठने में भी परेशानी होती है। तो अगर बारिश आएगी तो फिर लगा लेंगे छत को। तो दोस्तों आखिर खारा गेट से जो है गाड़ी हमारी निकल चुकी है सफारी के लिए। तो दोस्तों मौसम मानसून का मौसम है, तो जंगल तो बहुत ही खूबसूरत जो है देखने को मिलता है इस समय, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों इसी मानसून के मौसम में अगर टाइगर दिख जाए तो फिर क्या कहने। तो ये बरसाती नाले हैं सामने, ये देख सकते हैं अभी सब बरसाती नाले हैं। और अगर पहाड़ों में तेज़ बारिश होती है तो नाले जो है बहुत ही उफान पे आ जाते हैं, और ऐसे समय में ये गेट भी बंद करना पड़ता है। तो जब बारिश तेज़ हो जाती है तो गेट यहाँ बंद हो जाता है। अगर किस्मत में टाइगर दिखना हो तो दिखेगा, क्यों किस्मत में टाइगर दिखना हो तो दिखेगा, क्यों भैया दिखेगा चाहे बारिश हो कुछ हो। हमने तो वहाँ हम गए थे जब निकाला, हम गए थे कैसा मिला था हमें बारिश में, साहब भाई बताओ, बारिश में भीगता हुआ टाइगर चलता हुआ। जब से में को दिखना स्टार्ट किया है ना बच्चों को, वो तेज बरसात में भी वो दिखते थे। इतना लंबा चलाना वो बारिश में, मजा आ गया शॉर्ट में उसमें। यादगार शॉर्ट था वो मेरा, भालू को मारा था ना उस मेल ने, ग्रासेम में मारा था भालू को मेल ने, वही फेमस मेल है, वो यूज्ड टू भी काफी हो गया है। ये कब की बात थी? ये लास्ट ईयर की बात थी सर, लास्ट ईयर की। तो अभी वही मेल दिखता है, कभी दिखता है तो वो यूज्ड टू काफी है। तो वो जो जो भालू उसने मारा था, तो भालू वो भी भालू ग्रासेम में आ गया था, वो ग्रासेम में आ गया था वो। अच्छा, वो नॉक्टर्नल होते हैं भालू, उसके पंजे में शिकंजे फंस गए, टाइगर टेरिटरी में आ गया वो। टाइगर टेरिटरी में आ गया और वो दिन में मारा गया, फिर वो कभी आ सकता है, रात को ही घूमते हैं भालू अधिकतर। अच्छा, और गर्मी का टाइम था इसलिए वो फंस गया उसके। तो उसका नाम क्या रखे, चार्जर? नाम तो अभी कोई नहीं रखा सर, रखा नहीं है, नाम रख सकते हम लोग, तो नाम भी नहीं रखते हैं। तो नाम रखने वाले आपको, नाम रखने वाले हम कौन होते हैं? तो हम तो नाम रखते हैं, हम तो लोगों से सुनते हुए बोल देते हैं चार्जर चार्जर कह रहे थे लोग उसको ना, क्योंकि फोटोग्राफर ही फ्रेंड के फ्रेंड के लिए अपने नाम रखते हैं हम लोग, गाइड कहाँ नाम रखते हैं, ड्राइवर कहाँ रखते हैं, वो तो है सही। और ड्राइवर और डिपार्टमेंट के बारे तो नाम रखते ही नहीं है वो तो। तो उसके बाद तो उसने, उसके बाद तो हाथी पे भी हमला किया था ना उसने, हाथी पे भी हमला किया उसने, एग्रेसिव है वो। एग्रेसिव है टाइगर, अलग आप वो यूज्ड हो गया काफी टाइगर, तो बिल्कुल सेटिंग वही दे रहा है अब तो, सेटिंग उसी की हो रही है। और रोड वोड चलता दिखता है 100% दिखता है, तो रोड वोड ही चलता है, भागता नहीं एकदम से, यूज्ड है ना, मतलब बॉस है वो कुल मिला के, अपनी मर्जी का मालिक है ना। ये टाइगर बहुत कम यूज्ड होते हैं, बॉस है वो, पहला मोबाइल है कॉर्बेट में जो बहुत ज्यादा यूज्ड है। अच्छा, दो है जो डिकाला है, उसके बाद में इंडिया सामने स्पॉटेड डियर का एक जोड़ा यहाँ पे बारिश में भीगते हुए, बारिश भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे मौसम में क्या है संभावना गाइड साहब? संभावना सर ये लग बाई चांस देखे, लग बाई चांस है ना, क्योंकि जैसे मानते हैं ना कि कॉल होती है, मंकी बोलेंगे, डियर बोलेंगे, हाई वर्सन घास खाने वाली लाइन में आवाज करते हैं, बॉर्निंग साउंड देते हैं, वो ऐसा तो पॉसिबल कम ही है, क्योंकि वो भी ट्री के नीचे बैठे रहेंगे बारिश में भी, मतलब जो है जानवर बैठ जाता है, बैठ जाते हैं, चलता कम है, बैठ लेंगे टाइगर वगैरह बैठ जाएगा। तो जैसे हम जा रहे हैं रोड पर, अचानक टाइगर क्रॉस करेगा, राइट टाइम राइट प्लेस सेटिंग हो सकती है बस, वैसे पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, कम होती है अगर यह बारिश रुक जाए तो, थोड़ा बहुत बारिश रुक जाए, धूप निकल जाए एकदम से, तो टाइगर अपने टेरिटरी को रिफ्रेश करने के लिए फिर से वो ट्राई करते हैं, बारिश का मार्किंग करता है, तब पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो अपना टेरिटरी डिफाइन करने के लिए यूरिन स्प्रे करते हैं,
जो मौसम होता है ना बरसात नहीं तो जो अगर तेज बारिश होगी तभी करेगा ना हल्की बारिश होने के बाद करेगा वहाँ मौसम तब करेगा। तो दोस्तों बारिश तो अभी कंटिन्यू चल रही है, देखो क्या होता है। ये जो रोड के किनारे घास होती है काटी जाती है खुद ही, मतलब बाद में अपना वो हो जाती है। ये बरसात में जो है जो घास हो जाती है तो क्लेंस करने के लिए, वेजिटेबल से बचने के लिए, ज्यादा देर तक साइडिंग होने के लिए घास के दोनों साइड को क्लेंस किया जाता है। अच्छा करा जाता है पूरे एरिया में। जो की हमारी स्टाफ बाइक से जाते हैं वो भी जाते हैं, उनको भी खतरा है। रोड का जो विजन है वो 10 से 12 फीट है, बढ़िया हम घास दोनों साइड के क्लियर कर देते हैं तो 20 से 30 फीट विजन हो जाता है हमारा। तो एक दूसरी जगह 4-5 दूसरे एक साथ टाइगर देख सकता है, टाइगर रोड क्रॉस करता है। और यहाँ पे वो लेपर्ड कैटवा भी कभी दिखी है? लेपर्ड की साइडिंग सर कम है यहाँ पे, कुछ दिखा रहे मच्छर लेपर्ड दिखा था। यहाँ भी 4-5 दिन पहले कटपुरिया के पास आगे टाइगर दिखा था, लेपर्ड दिखा था, बाकी साइडिंग अभी कम हो रही है लेपर्ड की। और छोटी जैसे लेपर्ड कैट जो होती है, लेपर्ड कैट कम दिखती है, जंगल कैट दिख जाती है। पानी आ गया, पहाड़ों बारिश हो गई हल्की हल्की। तो अभी ऊंचाई वाली जगह पे हम आए हैं, ये हाई बैंक एरिया, और यहाँ पर भी दोस्तों कितनी बार नीचे यहाँ पर टाइगर देखने को मिलते हैं गर्मी के समय। और हमने शूट भी किए हैं सामने यहाँ से क्रॉस करते हुए और यहाँ पे नहाते हुए, और हाथियों के भी लेबर। तो आपने इधर देखा था, ये वो जगह है जहाँ से अधिकांश बार जो है टाइगर देखने को मिलता है। और गर्मी के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग होती है क्योंकि टाइगर पानी में आता है नहाने के लिए, और जो इधर का एरिया छाया में इधर बैठ भी जाता है। ये झरना का एक फेमस पॉइंट है हाई बैंक वाला एरिया। दौड़ लगा दी उन्होंने, तो साबू भाई ने इतनी मेहनत से यार हमारी सफारी बुक करी थी और देखो ऐसा हुआ, बारिश आ गई। सुबह बारिश नहीं थी यहाँ, सुबह तो बड़ी, हाँ सुबह तो सफारी करी है, अभी रुकी तो मज़ा आ जाएगा। देखो मौसम, हाँ मौसम देखने अच्छा मिलता, और फिर दिख गया टाइगर और हाथी ग्रास लैंड में। हाथी भी कुछ हद तक टाइगर की कमी पूरे करते हैं यार, और हाँ उससे मतलब बहुत कमी पूरी होती है। हाथियों को देखने में भी अच्छा लगता है, उनकी हरकत है ना, बच्चों के साथ अगर हूँ तो बच्चों के साथ हाथियों को देखने में मजा आता है, रंगों को देखने में मजा आता है। सही कह रहा हूँ, खड़े हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हो। जबकि भालू, भालू कितना रियर है, वैल्यू नहीं है उसकी, दिखता है। और जो लेपर्ड है ना, लेपर्ड वो टाइगर से भी सुंदर होता है, पता जिम कॉर्बेट कहते हैं लेपर्ड टाइगर से सुंदर लगता है मुझे। चलो गाइड साहब, कौन सा कस्बा था ये? ये सर हम तो साल फॉरेस्ट टर्टोइज बोलते हैं। अच्छा, बाकी प्रॉपर नाम तो बहुत सारे। हाँ बहुत बहुत सही बात है, क्योंकि दो टाइप के टर्टो, एक टर्टो होता है टर्टोइज होता है। अच्छा, ये साइज बड़ा होता है इसका, ये इतना ही रहता है? ये तो बच्चा है, ये छोटा। हाँ ये छोटा बच्चा है, ये मतलब कुछ तो छोटे होते हैं, बड़े साइज वाले अलग होते हैं।
वो बड़ा होता है, बड़ा होता है टाइफिन, जो टर्टल होता है समुद्र में, जो होते हैं जो निकालों में दिखते हैं वो बड़े वाले, अच्छा हाँ मानकर टाइगर जो है ना, ये इधर वाला एरिया है, मतलब यूपी से आओगे सफारी के निकले वहाँ, तो ये बाउंड्री है यहाँ पे, एक तरफ से उत्तराखंड की बाउंड्री, एक तरफ से यूपी की बाउंड्री, और ये सामने चेक पोस्ट है। कुछ भैया है कुछ आवाज़? तो ये देखिए यहाँ पे रास्ता जो है थोड़ा ख़राब है, बरसातों में बरसाती नदी यहाँ पर आती हैं तो रास्ता भी टूट जाता है। तो सामने सावर डियर का एक जोड़ा यहाँ पर, तो सावर के वीडियो देने के बाद अब हम फिर जा रहे हैं आगे की तरफ। अभी जिस एरिया में जाएंगे वो एरिया कौन सा है राइट साहब? कटपुलिया की तरफ, जो फेमस एरिया है। क्या नाम बताया? कटपुलिया, लकड़ी पुलिया है, उसे हम कटपुलिया बोलते हैं। अच्छा, टाइगर से चार नंबर फोर्जी बोलते हैं उसे। चार नंबर वाली ही दिखती है ना? जी जी, अगर वो दिखती है तो बहुत अच्छी दिखेगी। नहीं, मैंने खींची है पिछली बार, चार नंबर बना है उसके उसमें फेस में। हाँ, और दोनों तरफ से चार नंबर है जी जी। तो ये पूरा एरिया कटपुलिया रेंज वाला है? तो अभी हम जाएंगे कटपुलिया वाले रेंज में, जहाँ तक रोड खुला है, क्योंकि आगे रास्ता भी कम्प्लीट नहीं है तो जो पाएगा तो हम वहीं से वापसी आएंगे, जहाँ तक बना है वहाँ से वापस आके फिर हम गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। ठीक है, गेस्ट हाउस से पता करेंगे किसी से तो साइडिंग हुई है, उस हिसाब से फिर ट्राई करेंगे। ओके ओके। तो दोस्तों बारिश एक बार फिर बढ़ चुकी है। कहाँ को था उधर? तो जो भी जानवर हैं सब पेड़ों के नीचे खड़े हैं और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह। दिखाला की बात है, डोमेस्टिक एलिफेंट है वो रोड में चलते हैं, आपने भी देखा कई बार, जैसे हम जाते हैं तो जाते हैं दिखते हैं चलते हुए ले आते हैं। और एक बंदे ने तो ड्राइवर ने उसको बिस्किट थे टूरिस्ट के पास, और टूरिस्ट ने कहा भैया इनको दे दो, हमने वो हाथी के मुंह पे दे दिए। अच्छा, पीछे कोई था कैमरे वाला पत्रकार था, उसने उसकी फोटो खींच ली। अच्छा, वो फोटो खींचना उसके लिए जहर हो गया, जहर हो गया, क्योंकि आप डोमेस्टिक एलिफेंट को बाहर का कुछ दे नहीं सकते, दे नहीं सकते, सही बात तो है। उसके आप तो उसको कम से कम 10 से 15 दिन बैन रखा। हाँ, वैसे भी डोमेस्टिक है वो, जो तो ये है वन विश्राम गृह जिन्ना का, जहाँ पर आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं, और यहाँ पे कैंटीन है जहाँ पर आप चाय भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, और ये बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ भी है, और काफ़ी सफारी गाड़ियाँ इस टाइम यहाँ पर रुकी हुई हैं। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? और आज तो मौसम थोड़ा, चलो मानसून के टाइम में बारिश तो होनी है, नहीं हो तो कोई पता नहीं इसका, क्यों? अरे नहीं भाई, तो वहाँ निकाला मिले थे, बेस्ट गाइड यार। साहू भाई ना, ना, ना। हाँ भाई, ये पेड़ कितना पुराना है? ये तो मुझे पता नहीं, मगर हम पैदा भी नहीं होंगे तब से बहुत पुराना पेड़ है ये। तो ब्रिटिश टाइम का ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, और ये सामने कैंटीन है यहाँ पे, जहाँ पर आप चाय और नाश्ता कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्ना ओल्ड FRH, 1908 का बना हुआ है ये, कॉर्बेट टाइगर का, तो ब्रिटिशों के समय का है ये। दोस्तों यहाँ पर आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं,
तो ये है रूम जहाँ रुक सकते हैं, और ये सब बुकिंग जो होती है ऑनलाइन होती है, और मैं पहले यहाँ रुक चुका हूँ। ये सामने कितना बड़ा एक पेड़ है जो ऊपर से गिर चुका है, और ये भी बहुत पुराना पेड़ है बरगद का यहाँ पे। और सामने ये कैंटीन है। तो दोस्तों इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे आती नहीं है क्योंकि आज मौसम ख़राब है और बाहर कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिल भी नहीं रही है, तो लोग टाइम पास करने के लिए अंदर आ गए हैं। और अगर बारिश रुक जाएगी तो हो सकता है कुछ दिख जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। आसमान में बादल लगे हुए हैं। सामने ये वॉशरूम है, यहाँ पे आप जा सकते हैं वॉशरूम, और ये FRS है जहाँ आप रुक सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करा के। तो दोस्तों अब जो है FRS से वापसी कर रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और देखते हैं मौसम का क्या होता है। अगर बारिश रुकती है तो कुछ वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब हम जो लोग जो हैं जाएंगे ग्रासलैंड की ओर ढीला। हाँ नहीं है बारिश में तो फिर कुछ कॉल वॉल कुछ सुनाई दी? अरे सर को जाओ अकेले को खड़ा हो यहाँ पे सर जिन्हें तुम टाइगर हम चले जाते ना फाटो जोन में और इसलिए चले जाते हैं अमानगढ़ वाले में और अमानगढ़ के भी चले आते होंगे यही टाइगर अच्छा यही टाइगर ज्यादा जाते हैं तो चार नंबर वाली इस बीच दिखी थी तो हम जा रहे हैं बाहर की तरफ जो ढेला जोन वाला ग्रासलैंड है वहाँ पर अब जाएंगे और वहीं पर अपना टाइम। ये सामने हिरन के झुंड ये शोर तो चाहिए। अरे गुड यार मजा आ गया, बहुत ही शानदार। सबूत मैम सबूत दे दो अपना दिख रहा बढ़िया करके। तो जो है डियर का दिन है, यहाँ देखो डियर ही दिख रहा है। रुको झाड़े के अंदर घुस गए। चलो हल्की करो हल्की बारिश रुक गई है चाहिए था यार। सर को बाहर जाना पड़ेगा। दोस्तों देखिए सामने सामने हिरन है यार, निकल गया यार।
दोस्तों की बरसाती नाला अभी नहीं आया था, अभी जो बारिश हुई थी तो उसमें पानी बहुत बढ़ गया इसमें भी, और लेकिन अभी बारिश जो है थोड़ी हल्की हो चुकी है। देखते हैं आगे, अब जाएंगे हम ढीला वाले क्रॉस लैंड में और अपनी आखिरी जो सफारी का समय है वहीं पर व्यतीत करेंगे। देखिए सामने एक बंदर, आ जा बंदर। मौसम थोड़ा खुल चुका है, दिन भर में कितना है डियर को दिल्ली भरेगा इंसान। हमने खुद ही बना लिया। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं खारा गेट में, जहां से हमने एंट्री करी थी जिन्नतून के लिए, और अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। तो खारा गेट से बाहर का जो एरिया है यहाँ से जो है देहरादून शुरू हो जाता है। तो देहरादून के जो सफारी करते हैं हमें यहाँ तक ये फ़ायदा होता है कि देहरादून का भी कुछ हिस्सा हमें मिल जाता है सफारी के लिए। और आजकल जो देहरादून के ग्रास लैंड में ज़्यादा सेटिंग होती है टाइगर की, और आज के मौसम के हिसाब से तो देखते हैं क्योंकि कोई भरोसा नहीं है आज मौसम जिस हिसाब से खराब हुआ है टाइगर मूवमेंट करे। तो किस्मत अच्छी रहेगी तो फिर टाइगर दिख सकता है, बाकी वाइल्ड लाइफ जो हमने देखी वो आपको दिखाई। और आज डियर हिरन बहुत ज़्यादा देखी हमें आज, आपने खुद देखे? खुद देखे, एक बार टाइगर ने किल किया उठा के लेके जा रहा नदी में। कैसे किया जरा कोई एक्सप्लेन बताओ तो उसी घटना कैसे? घास के मैदान में था, उससे घास सोची थी, हम किल करते हुए नहीं देखा। अच्छा, एक रिवर बेड का छोटा सा पाठा स्ट्रीम थी और घास के मैदान से टाइगर उठा के लेके अच्छा, उठा के देखा, मुंह में दबा के लेके जा रहा था हिरन को। और सब वीडियो बनाया हमने, वीडियो कैमरा भी हमारे पास। क्या मारा हिरन? मारा था हिरन, चीतल मारा था, स्पॉट डियर का बेबी मारा था। अच्छा, और उसके बाद से तो कई बार ही देखा लेकिन वैसे शिकार करते हुए नहीं देखा, ले आते हुए देखा, ले आते हुए देखा, जो घास ऊंची रहती है ना, और इतना समय भी नहीं मेरे पास था करते हुए। तो कब करे क्या पता। तो ये है हमारे गाइड साहब का जो एक्सपीरियंस है ठिकाला का। देखिए इसमें भी हल्का पानी आ चुका है। तो दोस्तों बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप जो व्यू देखने को मिल रहा है, ये आपको मानसून में ही देखने को मिलेगा ये व्यू। तो सफारी गाड़ियाँ जितनी भी आती हैं सर जो है टाइगर देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, और सफारी का जो ज़्यादा समय होता है वो टाइगर को ढूंढने में निकल जाता है। लेकिन आज ऐसा भी नहीं है क्योंकि तो गाड़ी की हुड लगे तो बाहर तो हम देख नहीं सकते हैं। और जितनी भी सफारी गाड़ियां हैं सब अब जो है क्रॉस लैंड वाले एरिया में आ चुकी हैं, यानी कि देहरादून वाले एरिया में, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है टाइगर सेटिंग जो ज़्यादा होती है और वो टाइगर यहां पर बहुत दिखता है जिसने यहां पर अभी साल भर पहले भालू को मारा था, जो अभी जवान टाइगर है यहाँ का देहरादून का, और उसका नाम है चार्जर। वैसे यहाँ पर नाम रखने की कोई परंपरा नहीं है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं या फोटोग्राफर हैं वो उसको चार्जर नाम से पुकारते हैं, तो हम भी चार्जर ही कहते हैं। तो उस चार्जर नाम के टाइगर की जो है सेटिंग यहाँ पर अच्छी हो रही है, बाकी मौसम अगर बढ़िया होता तो टाइगर दिखने के चांस बहुत थे। तो दोस्तों हाथियों का जो झुंड ग्रासलैंड के अंदर के एरिया में था वो अब जो है रोड पर आ चुका है ठीक हमारे सामने। आगे लो आगे, अभी बहुत पीछे हैं, यहाँ से नहीं आएगा यार, बहुत दूर है। धीरे धीरे सही पे आ रहा है।
अच्छा बच्चे है कितना छोटा था तो दोस्तों हाथी तो ऐसे कई बार दिख जाते हैं लेकिन रोड पर हाथी बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों ये बच्चे के शॉट मिलना भी बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि बच्चा हमेशा अपनी माँ के बीच में रहता है, लेकिन आज ये मौका मिला मुझे। मैं बहुत समय से बच्चे के शॉट लेने की सोच रहा था लेकिन मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, तो आज मुझे ढेला जोन वाले जो ग्रासलैंड का एरिया है यहाँ पर ये मौका मिला। और दोस्तों आपने देखा बच्चा कितनी मस्ती कर रहा था, तो ये सब देखना बहुत ही अच्छा लगा। और एक समय के लिए तो हम बिल्कुल टाइगर को बिल्कुल भूल चुके हैं और हाथी में ही मस्त हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो रोशनी अब बहुत ही कम है, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने DSLR कैमरे से बना रहा हूँ निकॉन Z9 से, तो आपको ये फुटेज देखने को मिल पा रही है और फिर भी इसमें हल्का हल्का ग्रेन आ रहा है, लेकिन दोस्तों इतना तो चलता ही है। और दोस्तों मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इन हाथियों के झुंड ने हमारा बहुत अच्छा टाइम पास किया और हम सफारी की जो हमारी यादें थी वो एक बात बहुत ही खुशनुमा बना दी इन हाथियों ने। देखिए बच्चा, छोटा सा बच्चा माँ के साथ कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाथियों के साथ काफ़ी टाइम हमने यहाँ पर बिताया और बहुत अच्छे अच्छे शॉट भी मिले, आपने देखे भी लिए होंगे। और अभी ये हाथी का झुंड ही पे है सामने, ये देखिए ही पे है अभी हाथी। और वो नीचे कैमरा प्रेस कर दो, लंबा लंबा प्रेस कर दो, लंबा प्रेस कर दो। तो अब जा रहे हैं गेट की तरफ, सर से पूछते हैं कैसा रहा आज का आपका अनुभव। मिस टाइगर बट एलिफेंट्स मेड आवर डे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रहा। आपका? बहुत अच्छा, एलिफेंट्स देख के खुश हो गए, टाइगर नहीं था एलिफेंट्स ही, बट इट चलो कुछ तो दिखा, वाइल्ड लाइफ देखने को मिली एक अच्छी। मैम बहुत बढ़िया, एलिफेंट शो, एलिफेंट डे था आज, एलिफेंट डे और हिरन डे। तो दोस्तों सभी के अनुभव जो हैं काफ़ी अच्छे रहे आज के सफारी के, टाइगर नहीं दिखने के बाद भी लोगों के मन में खुशी है क्योंकि एलिफेंट ने पूरा समय दिया और बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा समय दिया हमें, काफ़ी मस्ती भी करी उन्होंने आपस में, आपने देखा भी होगा। तो ऐसा है कि हर सफारी में टाइगर दिख जाए ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी छः छः सफारी सात सात सफारी खाली जाती है। और मैंने और हमारे साथियों ने इसका एक्सपीरियंस किया है क्योंकि हम काफ़ी सफारी करते हैं आपके कॉर्बेट जोन में भी और पीलीभीत टाइगर जोन में भी, और अक्सर हमारे साथ होता है ऐसा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहे। तो दोस्तों अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और दोस्तों बाय बाय।